टेढ़ा हो सकता है, आसमान टेढ़ा नहीं हो सकता, रेल की पटरी पटरी टेढ़ी हो सकती है, रेल टेढ़ी नहीं हो सकती, जलेबी टेढ़ी हो सकती है, जलेबी का रस टेढ़ा नहीं हो सकता, गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ने का जल टेढ़ा नहीं हो सकता, एक इसी तरह से दुनिया टेढ़ी हो सकती है पर दुनिया को बनाने वाला परमात्मा टेढ़ा नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है आदमी का तन टेढ़ा नहीं है, आदमी का मन टेढ़ा है, इसलिए मैंने चपल मन जो मेरी सबसे पहली पुस्तक है, और अभी जब पंडित जी कह रहे थे 28 साल पहले नंदन वन में यहाँ कार्यक्रम था कुछ, तब मैं आचार्य पूजदान सागर जी महाराज जी के साथ आया था, तब मुझे याद आया कि वो चपल मन पुस्तक जो मेरी सबसे पहली काव्य कविताओं की पुस्तक है, उस पुस्तक का लोकार्पण इसी धरियाबाद के उसी कार्यक्रम में हुआ था। और चपल मन में मैंने कहा है, हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो, मन 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 मायाचारी का अजायब घर, हे सके तुम मायाचारी के अजायब घर हो, राम राम जपना पर आए आप माल अपना की कुटी नीति है तुम्हारी, मन के राम राम जपना पर आए माल अपना की कुटी नीति है तुम्हारी, मुख में राम कविता मैंने लिखी कि आपने लिखी है? मैं बोल भी नहीं पाता, नहीं आप पहले बोल देते, हे सके राम राम जपना पर आए माल अपना की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख में राम बगल में छुरी की कुटिल नीति है तुम्हारी, आम के आम वो गुटली के दाम की कुटिल नीति है तुम्हारी, तन के उजले मन के काले की कुटिल नीति है तुम्हारी, मुख के मीठे दिल के झूठे की कुटिल नीति है तुम्हारी, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बाहर में जाए जनता की कुटिल नीति है तुम्हारी, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता की कुटिल नीति है तुम्हारी, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका बेसक काम की कुटिल नीति है तुम्हारी, इस नीति को अनीति को दुर्नीति को कुटनीति को बकनीति को राजनीति को छोड़ दे अन्यथा ये नीति करेगी जीवन का दहन, रे चपल मन कर तुम अरहत का वचन, रे चपल मन। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आचार्यों ने कहा दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। इन्हें हम परिभाषित यूं करेंगे, जिसके पास केवल धन है वो भाग्यशाली है, जिसके पास धन के साथ स्वास्थ्य भी है वो सौभाग्यशाली है, तथा जिसके पास धन भी है स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है वो महाभाग्यशाली है। जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, जिसके पास केवल धन है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास धन है, बेशुमार धन है पर बीमार, धन है खा पी नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना 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 ये नहीं खाना, डॉक्टर साहब क्या खाना, डॉक्टर ने कहा बगैर घी की, बोलो बगैर घी की रोटी और उड़द की दाल का पानी,
धन है, धन है। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। घर में मेहमान आया, 56 तरह के व्यंजन बनाए। मेहमान भोजन करने बैठा, भोजन व्यंजन परोसे, अब वो मस्ती से खा रहा है और ये देख रहा है। कितना दुख होता होगा उसको, समझ सोचिए, सोचिए। ये खा नहीं सकता है लेकिन मेहमान खा रहा है, ये देख रहा है। क्यों? डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। क्या खाना? बिना घी की रोटी और उड़द की दाल का। पानी धन है पर स्वास्थ्य नहीं है, जिंदगी भर धन। संत आए, सेठ जी सत्संग करो। अभी नहीं धन, मंदिर जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाएंगे धन धन। मुनि आए, प्रवचन में जाओ फुर्सत नहीं, दुकान जाना है धन धन धन। तीर्थ यात्रा करने के लिए टाइम निकालो फुर्सत नहीं, क्यों? दुकान जाना है धन 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 धन। विधान हो रहा, पंचकल्याण हो रहा, उसमें शामिल हो जाओ, इंद्रवन के पूजा करो, नहीं फुर्सत नहीं, क्यों? धन 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 धन। जिंदगी भर करता रहा धन धन धन, एक दिन मर गया।